नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में, जिसमें मैं अनिकेत देवांगन फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ नए टॉपिक। तो दोस्तों, जैसे कि इस टॉप एमसीक्यू सीरीज का जो मोटो है वो एमसीक्यू के माध्यम से पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करना है, और जैसे लास्ट के पिछले चार क्लास में हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ते गए, टॉपिक वाइज आगे बढ़ते गए, जिसमें एमसीक्यू के माध्यम से पूरे सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रेजेंट में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थव्यवस्था का मेन मोटो क्या है, लोगों का विकास करना, और लोगों का विकास तभी हम कर पाएंगे जब ऐसे लोगों को पहचान पाएंगे जिनका विकास नहीं हुआ है या काफी समय से जो है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ आर्थिक सामाजिक समस्याओं से घिरे हुए हैं। जब उनकी पहचान कर ली गई तो उनके लिए एक विकासात्मक योजना की जरूरत पड़ी, और उस विकासात्मक योजना को अच्छे से चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, और धन हम इकोनॉमी में तभी हम कमा पाएंगे जब हम लोग मैनेज्ड तरीके से काम करेंगे दोस्तों। और मैनेज्ड तरीके से काम करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि मार्केट में किस किस प्रकार के मिसमैनेजमेंट की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो आज के क्लास में हम उसी सारी समस्याओं को देखेंगे, और उस समस्या को दूर करने के लिए जो हमारे अलग अलग संस्थाएं हैं और देश की सरकार जो है, ठीक है, कैसे काम करती है, उसके ऊपर में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा प्योर रहेगा मार्केट एनालिसिस, मार्केट बिहेवियर के बारे में। चलिए देखते हैं आज के, ठीक है, विषय सूची किस प्रकार है। तो आज सबसे पहले हम लोग आर्थिक समस्याओं के ऊपर में आगे बढ़ेंगे, जिसमें मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, निस्पंद स्फीति आदि से संबंधित शब्दावली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उनकी मापन युक्तियों के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि मुद्रा के प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, हाउ कैन करेंसी एक्सपेंशन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब भी हम लोग मार्केट में काम करने के लिए आते हैं तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे दो वर्ग होते हैं, एक तो बनाने वाला और दूसरा खरीदने वाला, ठीक है। जैसे सपोज कर लो कि बनाने वाले के पास में ज्यादा पैसा है तो खरीदने वाले के पास में पैसे क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि ध्यान में रखिएगा मनी एक प्रॉपर अमाउंट में एक तय सीमा में ही इस देश के अंदर में मौजूद है, ठीक है दोस्तों। यदि जो पैसा है बनाने वाले वर्ग के पास में ज्यादा रहेगा तो खरीदने वाले के पास में पैसा जो है वो कम रहेगा, ठीक है, और जब खरीदने वाले के पास में पैसा ज्यादा रहेगा तो बनाने वाले के पास में पैसे कम रहेंगे, और ये दोनों सिचुएशन में दोनों सिचुएशन से कहीं ना कहीं इम्बैलेंस की स्थिति जो है निर्मित हो सकती है। सपोज कर लो कि बनाने वाले के पास में ज्यादा पैसा है लेकिन खरीदने वाले के पास में पैसे कम है, तो बनाने वाले के पास में यदि पैसा ज्यादा होगा तो यदि वो वस्तु प्रोड्यूस भी कर लेगा, यदि वो वस्तु बना भी लेगा, प्रोड्यूस भी कर लेगा, तब भी लोग जो है उस वस्तु को खरीदने नहीं पहुंचेंगे जो कस्टमर है। रीजन क्या, कस्टमर के पास में मनी सप्लाई क्या है दोस्तों, कम है, और यदि मनी सप्लाई कम है, लोगों के पास में पैसे कम है, तो उन लोग कम खर्च करेंगे। कहने का मतलब प्रोड्यूसर यदि वस्तु को बना भी लेगा तो वो वस्तु बिकेगी नहीं, और जब वस्तु बिकेगी नहीं, कहने का मतलब वस्तु की डिमांड क्या रहेगी, ऐसे कंडीशन में कम रहेगी, और वस्तुओं की डिमांड कम रहने से उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इससे मार्केट पर जो है खरीदी बिक्री पे एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। जस्ट इसके विपरीत यदि हम लोग जाएंगे, सपोज करो जैसे लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, कहने का मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, तो बट ऑब्वियस प्रोड्यूसर के पास में पैसे क्या होंगे, कम होंगे। यदि मनी सप्लाई ज्यादा है तो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीदने की कोशिश करेंगे, कहने का मतलब डिमांड वस्तुओं की क्या हो जाएगी, अचानक से ज्यादा हो जाएगी, और प्रोड्यूसर उस हिसाब से वस्तुओं को नहीं बना पाएगा। और हम जानते हैं दोस्तों डिमांड और सप्लाई का रूल क्या बोलता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाती है प्राइस क्या होते जाता है, उस वस्तुओं का बढ़ते जाता है। तो जो अमीर वर्ग है बढ़ी हुई कीमत तो पे तो उस वस्तु को खरीद लेंगे, लेकिन मेन जो इम्पैक्ट उस, ठीक है, महंगाई का पड़ता है वो किस पर पड़ता है दोस्तों, गरीब जनता पर पड़ता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ता है। कहने का मतलब, ठीक है, इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना क्या है, जरूरी है, मनी को एक तय मात्रा तक बनाए रखना जरूरी है, अदरवाइज ये या तो महंगाई को बढ़ा देगा या तो बहुत ही ज्यादा क्या कर देगा, चीजों को सस्ता कर देगा, और दोनों किसी भी इकोनॉमी के हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता।
तो कहने का मतलब इसको बैलेंस करना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, मुद्रा के प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित करता है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, मुद्रा प्रसार या बात करेंगे मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई, सपोज कर लो जैसा कि मैंने क्या बोला, मनी सप्लाई यदि ज्यादा होगी तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्राइस धीरे धीरे दोस्तों क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसी बढ़ते हुए प्राइस को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन की स्थिति या मुद्रा स्फीति का कंडीशन। और ये मुद्रा स्फीति क्या होती है दोस्तों, ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। जब सामान्यतः वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो जाती है, वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो जाती है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मुद्रा स्फीति या महंगाई का कंडीशन। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये जो मुद्रा स्फीति या महंगाई की स्थिति है कई कारण के फलस्वरूप आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे तीन प्रमुख कारण होते हैं जिसके कारण किसी वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। एक तो सबसे पहले प्रकार को बोला जाता है मांग, या पहले कारण को बोला जाता है मांग जनित मुद्रा स्फीति, या जिसको बोलते हैं हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रा स्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा कारक जनित मुद्रा स्फीति, या जिसको बोलते हैं फैक्टर पुल इन्फ्लेशन। तीसरा जो है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, संरचनात्मक मुद्रा स्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो ध्यान में रखिएगा, इस मुद्रा स्फीति के तीन कारण हो सकते हैं, पहले मांग जनित, दूसरा कारक जनित, और तीसरा संरचनात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले मांग जनित मुद्रा स्फीति को समझते हैं और इसको नियंत्रण करने के उपाय के बारे में बात करते हैं। तो मांग जनित मुद्रा स्फीति क्या होता है, तो जैसे कि हेडिंग से ही क्लियर है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन की वह स्थिति, ठीक है, जो डिमांड ज्यादा होने के कारण उत्पन्न हुई हो। ठीक है, जैसे देखते हैं, मैंने क्या बोला, यह मुद्रा स्फीति की वह स्थिति है जिसमें लोगों के पास में मनी सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब अगर इसको एक लाइन में हम लोग डिफाइन करें तो वह स्थिति जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, मांग जनित मुद्रा स्फीति। तो वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। तो जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मनी सप्लाई बढ़ गई है दोस्तों, तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा, इसको समझते हैं। जैसे सपोज करो, आप सभी जितने भी देखने वाले हैं, सपोज करो आप लोग कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं, वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं और आपको हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलता है, और सपोज करो आप सभी 5 करोड़ रुपए जीत के आ जाते हैं। तो जैसे ही आपके अकाउंट में वो पैसा आएगा दोस्तों, अचानक से आपके पास में मनी सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया, और जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आया, आपने सोचना चालू किया कि अब मैं घर भी खरीद लूंगा, अब मैं कार भी खरीद लूंगा, अब मैं एक अच्छा सा मोबाइल भी खरीद लूंगा, मैं गहने खरीद लूंगा, मैं शॉपिंग करूंगा, अलग अलग जगह में पैसे को क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। कहने का मतलब, जो पैसे ना होने के कारण मैं वस्तुएं खरीद नहीं पा रहा था, अचानक से पैसे आ जाने के कारण डिमांड क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। तो ऐसे ही जितने भी हमारे कंपटीशन कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, सबके सब यदि 5 करोड़ रुपया जीत जाते हैं तो क्या होगा, अचानक से सबके सब मार्केट में पहुंचेंगे और सेम चीज को खरीदने की क्या करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, मनी सप्लाई यहां पर बढ़ा तो डिमांड भी वस्तुओं का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे ही जैसे डिमांड बढ़ते जाएगा तो सेलर को भी ये पता है कि सामने वाले के पास में पैसा है, सबके सब 5 करोड़ रुपया जीत के आए हैं, तो अगर मैं दाम बढ़ा भी देता हूं तो इसका कोई भी इंपैक्ट जो है उस व्यक्ति पर पड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब, यहां पर प्राइस क्या होते जा रहा है दोस्तों, बढ़ते जा रहा है।
ठीक है ना। तो कहने का मतलब बढ़े हुए प्राइस पर आप वस्तुओं को खरीदने लगेंगे, लेकिन ध्यान में रखना जो गरीब व्यक्ति हैं, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार व्यक्ति हैं, मध्यम वर्गीय परिवार वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए तो रेट ज्यादा हो जाएगा। तो एक्चुअल में महंगाई का इंपैक्ट किस पर पड़ता है दोस्तों? गरीब जनता पर या आम जनता पर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा जब वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मांग जनित मुद्रा स्फीति। ठीक है, अभी ध्यान में रखना इस कंडीशन से महंगाई में तो क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। आगे देखेंगे कि मुद्रा स्फीति का क्या क्या प्रभाव पड़ता है जब तीनों टाइप हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन मांग जनित मुद्रा स्फीति यदि उत्पन्न होती है तो इसको कंट्रोल कौन करता है? तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि भैया अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो कंट्रोल करता कौन करता है? तो ध्यान में रखिएगा चूंकि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है मार्केट में मनी सप्लाई के बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई, और ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में मनी की क्वांटिटी को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? देश में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उस इंडिपेंडेंट बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI। ध्यान में रखिएगा मनी की मात्रा को कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करता है? RBI करता है। और दूसरा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यदि RBI विफल रहता है तो ध्यान में रखिएगा भारत सरकार भी अपने तरीके से इसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। अब देखते हैं कि कैसे RBI अपने तरीके से प्रयास कर रहा है और भारत सरकार जो है अपने तरीके से प्रयास कर रहा है। तो ध्यान में रखिएगा मैंने क्या बोला कि रुपए पैसे की मात्रा को कंट्रोल करना या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम किसका है? RBI। यदि RBI लोन रेट को, ठीक है, लोन रेट को बढ़ा दे, यदि RBI लोन रेट को बढ़ा दे, जैसे क्या देख रहे हैं, RBI कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक से कौन जुड़ा होता है दोस्तों? हम लोग जुड़े होते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कस्टमर, है ना। हमको यदि लोन की आवश्यकता पड़ती है, हम कमर्शियल बैंक के पास में जाते हैं। कमर्शियल बैंकों को यदि ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो वो RBI के पास में जाते हैं। ठीक है, हमको यदि कुछ चीज लोन में लेना है तो यहां पर कोई ना कोई एक कोलेट्रल गिरवी रखना पड़ता है। वैसे ही RBI से यदि ऋण लेना है कमर्शियल बैंकों को तो यहां पर कोई ना कोई कोलेट्रल गिरवी रखना पड़ता है। RBI जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग, ठीक है ना, हर 3 महीने में एक पॉलिसी जो है, ठीक है, वो अपनाती है। ठीक है, जिस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो मनी सप्लाई को कम करना है। देखो RBI स्वयं जो है वो बैंकिंग रिलेटेड काम करती है क्या? नहीं। ध्यान में रखिएगा वो कमर्शियल बैंकों के माध्यम से जो है बैंकिंग एक्टिविटी को क्या करती है? परफॉर्म करती है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला, मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज करेगी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण कौन किया? RBI। RBI किसके लिए बॉस है? कमर्शियल बैंकों के लिए। तो ये जो भी पॉलिसी होगा RBI और कमर्शियल बैंकों के बीच की बात होगी, और कमर्शियल बैंक फिर उस हिसाब से अपनी पॉलिसी जो है कस्टमर के लिए क्या करेंगे? सेट करेंगे। कहने का मतलब यदि लोन रेट को बढ़ा दे, लोन रेट को बढ़ाएगा कौन? बढ़ाएगा RBI बढ़ाएगा। और वो लोन रेट कौन कौन से हो सकते हैं ध्यान में रखिएगा दोस्तों? बैंक रेट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर रेपो रेट हो सकते हैं, ये बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल है, या फिर SLR हो सकता है, या फिर CRR हो सकता है। यदि इनको बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंकों को लोन लेने के लिए ज्यादा किस्त चुकाना पड़ेगा या ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा कि इनको RBI को। ठीक बात है कि नहीं? ये पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग। तो जब कमर्शियल बैंकों को RBI को ज्यादा लोन चुकाना पड़ेगा तो वो कस्टमर से भी ज्यादा लोन यहां पर लेंगे। कहने का मतलब कस्टमर जो लोन लेकर रखे हुए हैं, ठीक है, उनके पास से धीरे धीरे ज्यादा लोन का पैसा जो है इंटरेस्ट के रूप में किनके पास में पहुंचते रहेगा? कमर्शियल बैंकों के पास में पहुंचते रहेगा, और धीरे धीरे जो है मनी सप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा लोन रेट को क्या कर देगा? ये बढ़ा देगा, जिससे धीरे धीरे मनी सप्लाई की समस्या क्या हो जाएगी दोस्तों? दूर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सपोज कर लो यदि, ठीक है, कमर्शियल बैंक से किसी ने लोन लिया ही नहीं, तो उस कंडीशन में RBI की पॉलिसी तो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो ध्यान में रखिएगा उस कंडीशन में भारत सरकार जो है वो एक्टिव होती है, और ध्यान में रखिएगा भारत सरकार जो है इन्वेस्ट करने से या फिर एक्सपेंडिचर करने से, ठीक है ना, ये क्या करती है? बचती है।
लेकिन यदि एक्सपेंडिचर या खर्च करने से यदि भारत सरकार बचेगी तो डेवलपमेंट के काम क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्लो हो जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं? देखो और कैसे कर सकती है भारत सरकार, कर सकती है ध्यान में रखिएगा, ठीक है, टैक्स रेट क्या कर देगी, बढ़ा देगी। यदि टैक्स रेट बढ़ाएगी तो ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास में जरूर कलेक्ट होगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा टैक्स रेट बढ़ाने के चक्कर में वस्तुओं के दाम और बढ़ जाएंगे और गरीब और जो मध्यम वर्गीय परिवार है उन पर ज्यादा जो टैक्स का बोझ क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। वो ऑलरेडी वस्तुओं को खरीद नहीं पा रहे थे और यहां पर और गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक बात है, तो लोगों का पैसा वहां तक कैसे पहुंचेगा। कहने का मतलब आम जनता वस्तुओं को अब खरीदना भूल ही जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आरबीआई और कहीं ना कहीं भारत सरकार अपने अपने तरीके से प्रयास करती है, लेकिन इस कंडीशन से यदि हम लोगों को, ठीक है, निकलना है तो ध्यान में रखिएगा कैसे निकला जाए, तो वस्तुओं का सप्लाई क्या कर दो, बढ़ा दो। यदि लोगों को वस्तुएं दिखेंगी ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं खरीदने क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे कि सपोज कर लो आप लगभग सभी जो है फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे, ठीक है, जब हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं दोस्तों, ठीक है, और वैसे ही फेसबुक या इंस्टाग्राम में यदि कोई एक अच्छा ड्रेस सजेस्ट करता है और उसको हम लोग गलती से क्लिक कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है वो कपड़ा ऐसे करके, लेकिन हम लोग परचेस नहीं करते। अब ये फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले इतने चतुर चालाक लोग होते हैं, ठीक है, कि जब जब हम लोग उसके बाद में, ठीक है, जब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह खोलते हैं तो वो कपड़े को या उससे रिलेटेड कपड़े को वो बार बार हमारे आंख के सामने फ्लैश करता है। वो तब तक फ्लैश करते जाता है जब तक हम उस वस्तु को खरीद नहीं लेते। रीजन क्या? आपके पास में वर्तमान में पैसा नहीं है, लेकिन एक समय जरूर ऐसा आएगा जब आपके वॉलेट पे पैसा होगा और आप बोलोगे कि भाई ये जान दो, ठीक है, अब हम लोग इसको खरीद ही लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? आपके पास में मनी सप्लाई क्या हुआ दोस्तों, बढ़ा, और मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा डिमांड क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो यदि, ठीक है, वस्तुओं की सप्लाई बढ़ा दो तो इंसानों का एक फितरत ये होता है कि यदि उनको अच्छी वस्तु दिखाओ तो वो उनको एक समय के बाद में क्या कर लेते हैं दोस्तों, खरीद लेते हैं। तो एक समय के बाद में आप उस वस्तु को खरीद लोगे और आपका मनी जो है वो प्रोड्यूसर के पास में चले जाएगा और मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो ये तो था कौन सा, मांग जनित मुद्रा स्फीति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा कारक जनित मुद्रा स्फीति। अब कारक जनित मुद्रा स्फीति किसके कारण जनरेट होती है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखो अर्थव्यवस्था में जो कारक है कोई भी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वो कुछ कारकों को यहां पर डिफाइन किया गया। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए, कच्चा माल, अपने को किसकी जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है, ठीक है ना, अपने को किसकी जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है। यदि और किसकी जरूरत है हम लोग को, ठीक है ना, इन्वेस्टर की जरूरत है। सपोज कर लो कच्चे माल की कीमत में किसी कारणवश वृद्धि हो गई, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग कई सारा कच्चा माल जो है वो बाहर से मंगवाते हैं, तो वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट के उथल पुथल पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे हमारे ही देश में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कच्चा माल बहुत सारे खानों से हम लोग प्राप्त करते हैं, और यदि खान में कुछ हादसा हो जाए तो एक लंबे समय तक, जब तक वो हादसा, ठीक है, मैं हादसा होने के बाद में राहत बचाव के काम जब तक नहीं हो जाते तब तक वहां पर प्रोडक्शन क्या रहता है, बंद रहता है। और अचानक से उस कच्चे माल की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब जब डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस क्या होते जाता है दोस्तों, बढ़ते जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर लोगों के पास में मनी सप्लाई नहीं बढ़ा, यहाँ पर कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हुई, और जब कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होगी दोस्तों तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं, एंड जो प्रोड्यूस्ड गुड है या बनी हुई या विनिर्मित वस्तुएं हैं उनके भी दाम में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। या फिर मजदूरों का वेज रिवीजन हो गया, मजदूरों की सैलरी क्या हो गई, बढ़ गई, या इन्वेस्टर जो है वो ज्यादा अपने आप में प्रॉफिट रखने लग गया, ये सभी कारक क्या करेंगे, ठीक है ना, वस्तुओं के दाम को बढ़ा देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान में रखिएगा यहां पर मनी सप्लाई बढ़ रहे क्या, नहीं, और जब मनी सप्लाई बढ़ नहीं रहे तो आरबीआई इसको कंट्रोल कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। इसको कौन कंट्रोल करेगा, भारत सरकार जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। भारत सरकार कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, अब कच्चे माल की कीमत बढ़ी हुई है, हो सकता है कच्चे माल पर सब्सिडी देना चालू कर, ठीक है ना। यदि सब्सिडी देना चालू करेगा तो ध्यान में रखिएगा भारतीय रेवेन्यू पर उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब ये कुछ समय तक तो राहत देगा, लेकिन इससे लंबे समय तक
लंबे समय के लिए क्या हो जाएगा, भारत सरकार का रेवेन्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। और यदि सरकार का रेवेन्यू कम होगा तो डेवलपमेंट के काम क्या हो जाएंगे दोस्तों, कम हो जाएंगे। कहने का मतलब सब्सिडी इज नॉट अ गुड ऑप्शन। फिर क्या देख रहे हैं, मजदूरों का वेज रिवाइज कर दो, वेज रिविजन कर दो। कहने का मतलब मजदूरों का जो वेतन है उसको कम कर दो, भैया इसमें तो हल्ला हो जाएगा। कहने का मतलब भारत सरकार भी जो है पूरी तरीके से इसको निपट नहीं पा रही है। या फिर क्या कर सकते हैं, अगेन टैक्स कम कर दो। टैक्स कम करेंगे तब भी रेवेन्यू पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं कर सकते। अगेन अगर ऐसा सच कोई सिचुएशन आता है तो ध्यान में रखिएगा इससे निपटने के लिए क्या उपाय है कि सप्लाई क्या कर दो, बढ़ा दो। यदि सप्लाई बढ़ा दोगे तो उस वस्तु के दाम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि टमाटर की कीमत जब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी अभी कुछ समय पहले, तो अलग अलग राज्यों से टमाटर जब ठीक है छत्तीसगढ़ के मंडियों पे आने लगा तो कंपटीशन क्या हुआ, क्रिएट हुआ। क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो टमाटर का प्रोडक्शन कम हुआ था, लेकिन आसपास के जो स्टेट हैं वहां पर टमाटर का प्रोडक्शन अच्छा हुआ था। तो बाहर यदि प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, मतलब सप्लाई ज्यादा हुआ है ठीक है, और डिमांड उतनी नहीं है, तो उस वस्तु का प्राइस क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो कहने का मतलब यदि दूसरे स्टेट से हमारे यहाँ वो जब टमाटर आया तो उसका दाम क्या होने लगा, कम होने लगा ठीक है। तो यहां पे भी सप्लाई बढ़ाएंगे तो दाम क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, संरचनात्मक किस्म की मुद्रा स्फीति। संरचनात्मक किस्म की जो मुद्रा स्फीति है, ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चरल कमी के चलते उत्पन्न होती है ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के संरचना में कमी के चलते, जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट के संरचना में कमी के चलते ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजारी की समस्या उत्पन्न होती है, वैसी होल्डिंग या फिर जमाखोरी की समस्या होती है। कहने का मतलब सरकार का तंत्र विफल रहा कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने में, और इसके कारण जब अवैधानिक तरीके से, अवैध तरीके से किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसका दाम क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ाकर बेचा जाता है। ठीक बात है कि नहीं। तो ध्यान में रखिएगा कालाबाजारी और जमाखोरी से निपटने के लिए सरकार नाकाम था, और इसी के कारण वस्तुओं का दाम क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। तो इस कंडीशन से भी निपटने के लिए ध्यान में रखिएगा अपने को क्या करना चाहिए, सप्लाई बढ़ा देना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं हम लोग, इन्फ्लेशन का कंडीशन यदि आता है तो सप्लाई बढ़ा देना ही एक अंतिम, लास्ट क्या रहता है दोस्तों, विकल्प रहता है। चलिए अब देखते हैं मुद्रा स्फीति का क्या जो प्रभाव है वो हमको आम जीवन पर, मार्केट पर पड़ता हुआ दिखता है। तो मुद्रा स्फीति का यदि प्रभाव की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो क्या है, वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। ठीक बात है। दूसरा रुपए की क्रय शक्ति कम हो जाती है, या फिर क्या देख रहे हैं, रुपए की जगह हम लोग मुद्रा की क्रय शक्ति भी हम लोग, या मनी की परचेसिंग पावर ऑफ मनी यहां पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास में आम समय में 100 रुपया है, मैं 100 रुपया में ये 5 मार्कर खरीदता हूं ठीक है, मतलब प्रत्येक मार्कर की कीमत कितनी रुपए हो गई, 20 रुपए पर मार्कर ठीक है कि नहीं। अब ध्यान में रखिएगा अचानक से महंगाई का सिचुएशन बढ़ा, अभी भी मेरे पास में 100 रुपया है और अब जो मार्कर की कीमत है 25 रुपया पर मार्कर हो गई, तो अब मैं केवल कितना खरीद पा रहा हूं, 4 मार्कर खरीद पा रहा हूं। कहने का मतलब रुपए की क्रय शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। पहले मैं ज्यादा सामान खरीद पा रहा था, अब मैं क्या कर पा रहा हूं दोस्तों, कम सामान खरीद पा रहा हूं। तो कहने का मतलब यहां पर मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हुई, कम हुई। ध्यान में रखिएगा तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, रुपए की क्रय शक्ति कम हो जाती है ठीक है। तीसरा जो है, अब ध्यान में रखिएगा यहां पर एक तो होता है देनदार और एक होता है लेनदार ठीक है, मतलब एक जो लोन लेकर रखा हुआ है और एक जो, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक जो लोन देकर रखा है ठीक है। तो यहां पर लेंडर और यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, बोरोवर की बात कर रहे हैं। अब इसमें से किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा उसको हम लोग देखते हैं ठीक है ना। अब लेंडर या लेनदार की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उधार में किसी दूसरे व्यक्ति को क्या देता है, पैसा देता है ठीक है ना। तो बोरोवर या देनदार।
अब इसमें से फायदा किसको होगा किसको नुकसान होगा उसको देखते हैं। जैसे सामान्य समय पे 100 रुपया ठीक है, व्यक्ति ए ने व्यक्ति बी को क्या दिया, उधार दिया। व्यक्ति बी ने क्या लिया, उधार लिया व्यक्ति ए से, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा, बी जैसे ही उधार लेता है वो 10 रुपया के 10 मार्कर खरीद लेता है, ठीक। सामान्य समय की बात कर रहा हूं, ठीक है। 5% इंटरेस्ट पर ही इसको 100 रुपया उधारी दिया, बी ने तुरंत तो उसको खरीद कर 10 मार्कर खरीद लिए। अब अचानक से मुद्रास्फीति का कंडीशन आता है, मुद्रास्फीति का कंडीशन आता है, अभी भी उसके पास में 100 रुपए है। मुद्रास्फीति का कंडीशन आता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 100 रुपए है अभी, ध्यान में रखिएगा, ये जो 10 रुपया का मार्कर का रेट था, अब महंगाई बढ़ने के कारण कितना रुपया हो गया, 15 रुपया हो गया। मतलब इसके पास में कितना रुपया आया, व्यक्ति बी के पास में, ठीक है। ये कौन सा केस है, इन्फ्लेशन का केस है, ठीक। तो व्यक्ति बी के पास में कितना आया, 150 रुपया, लेकिन उसको रिटर्न कितना करना है, 105 रुपया, ठीक है। तो 45 रुपये का फायदा किसको हो गया, बी को हो गया, बैठे बैठाए हो गया, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वो लोन लेकर आया, अचानक से प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। तो यहां पर ध्यान में रखना, बोरोवर को फायदा हो रहा है और लेंडर को नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसे, ठीक है, कि अब लेंडर के पास में जो रिटर्न आएगा वो केवल 105 रुपया आएगा, लेकिन वही अगर वो 100 रुपया, ठीक है, लेंडर के पास में होता और वो खुद अपना शॉप डाल दिया रहता, तो उसका जो 100 रुपया वर्तमान में उसका वैल्यू बढ़कर कितना हो गया रहता, 150 रुपये के लगभग का हो गया रहता, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इस कंडीशन में, ठीक है, लेनदार को नुकसान है और देनदार को क्या होगा दोस्तों, फायदा होगा। चलिए अब प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा था, पहला प्रश्न बोलता है मुद्रा के प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो मुद्रा के प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से ऊंची कीमतों के द्वारा वर्णित किया जाता है। ये सामान्यतः एक इन्फ्लेशन का सिचुएशन होता है जिसमें वस्तुओं के दाम क्या हो जाते हैं दोस्तों, बढ़ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है, मतलब इन्फ्लेशन है वो क्या हुआ है दोस्तों, कम हुआ है। तो यदि इन्फ्लेशन कम हुआ है, मतलब महंगाई भी क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है ना। महंगाई क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। निम्नलिखित में मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है, ठीक है ना, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही है, ठीक है। चलो दूसरा भी पढ़ लेते हैं। तीसरा, खाद्यापूर्ति बढ़ गई है। चौथा, औद्योगिक विकास गतिहीन। तो निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है। देखो, सपोज कर लो पहले जो मुद्रास्फीति जो है वो 10% के रेट से बढ़ रही थी, अभी गिर कर कितनी हो गई है, 5% की दर से बढ़ रही है। कहने का मतलब मुद्रास्फीति की दर क्या हो गई है, गिर गई है। कहने का मतलब कीमतें यहां पर कम नहीं हो रही है, ठीक है ना। कीमतों जो है पहले की तुलना में ज्यादा धीमी गति से बढ़ रही है। तो कहने का मतलब कीमतें जो है पहले की तुलना में अधिक धीमी गति से क्या कर रही है दोस्तों, बढ़ रही है। कीमतें कम नहीं हुई है यहां पर, कीमतें कम होना मतलब वो निगेटिव में चले जाना है, क्लियर है। तो ध्यान में रखिएगा, पहले 10% से बढ़ रही थी, अब कितने से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है। मतलब कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे गति से क्या कर रही है, बढ़ रही है। यह अर्थ होता है कि इसका मुद्रास्फीति की दर गिरने का कारण। निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, तो जैसे कि मैंने क्या बताया था दोस्तों, जो ऋणी वर्ग है वो सबसे ज्यादा लाभ कमाता है, किससे, मुद्रास्फीति से। तो ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में मुद्रास्फीति की दर के माप किस आधार पर होती है, तो वर्तमान में यदि मुद्रास्फीति के दर की हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए, ठीक है, पहले जो विधि उपयोग में लाई जाती थी उसको हम लोग बोलते थे थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस थोक मूल्य सूचकांक में काफी सारी कमियां थी। ये केवल गुड्स की या वस्तुओं की गणना करता था, सेवाओं की गणना ये नहीं करता था, और इसी के कारण, ठीक है, और भी बहुत सारी कमियां थी इसमें, और इसी के कारण हम लोग वर्तमान में थोक मूल्य को छोड़कर किस तरफ में आगे बढ़े, तो ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हम लोग
ठीक है, मुद्रा स्फीति की गणना करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मुद्रा स्फीति के कारण, देखो मुद्रा स्फीति के सारे प्रभाव को हम लोग देखे थे, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, करेक्ट है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, मुद्रा की परचेसिंग पावर क्या होती है दोस्तों, कम होती है, ये भी सही है, विनिमय दर या एक्सचेंज रेट में सुधार होता है, ये गलत है, मतलब उपरोक्त ए और बी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय नगदी या लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में किसकी अनुपलब्धता से है? देखो लिक्विडिटी कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना, पैसे का फ्लो होना, ठीक है ना, पैसे का फ्लो होना, रुपए पैसे। अब मनी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विडिटी मनी की या तो कम होती है या तो ज्यादा होती है, मैटर ये करता है कि कितने जल्दी हम लोग उसको, ठीक है, कैश में कन्वर्ट करके वस्तुओं को खरीद सकते हैं। जैसे वॉलेट पे रखा हुआ कैश की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होगी, कैसे ज्यादा होगी दोस्तों, क्योंकि तुरंत मैं उसको जेब से निकाल कर क्या कर सकता हूं मार्केट में, ठीक है, उसको एक्सचेंज करके वस्तु को खरीद सकता हूं। लेकिन यदि मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा यहां पर पड़ा हुआ है तो उसकी लिक्विडिटी कैश के मुकाबले जो आपके पास में पड़ा है वह उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, रीजन क्या, आपको उस पैसे को जो कि आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है उस पैसे को कैश में कन्वर्ट करने के लिए या उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको एटीएम के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, या तो फिर स्वाइप मशीन का इस्तेमाल आप लोग को करना पड़ेगा कि नहीं दोस्तों, ठीक है, तो उसकी लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी। वैसे ही एफडी में रखे हुए पैसे की लिक्विडिटी और भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात की जा रही है, अंतरराष्ट्रीय नगदी या लिक्विडिटी की समस्या। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी जो कारोबार होते हैं, ठीक है, वो ठीक हार्ड करेंसी के बेस पर होते हैं। अब यहां पर एक नया शब्द यूज कर रहा हूं, हार्ड करेंसी, है ना, एक ऐसी करेंसी जो हार्डली अवेलेबल हो, एक ऐसी करेंसी जो हार्डली अवेलेबल हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, हार्ड करेंसी। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो इसी हार्ड करेंसी के थ्रू होती है, ठीक, और हार्ड करेंसी वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो इंटरनेशनली मार्केट को इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है वो डॉलर, पाउंड वगैरह या अन्य दुर्लभ मुद्राएं करके रखे हुए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? यहां पर किसकी बात की जा रही है, डिफ्लेशन की बात की जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को डिफ्लेशन समझना क्या होगा, जरूरी होगा, डिफ्लेशन या फिर जिसको क्या बोला जा रहा है, अपस्फीति। ये क्या होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ये मुद्रा स्फीति का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है ना, डिफ्लेशन जो मुद्रा स्फीति का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, इसे मुद्रा संकुचन के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मुद्रा संकुचन। अब ध्यान में रखिएगा, जब इसका अर्थ क्या होगा, जब सामान्यतः अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमतों में गिरावट होती है, जब सामान्यतः किसी वस्तु की कीमत में गिरावट होती है तो उस कंडीशन को डिफ्लेशन की स्थिति कहते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, जब वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में, वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाए, जब वस्तु और सेवाओं की तुलना में दोस्तों मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाता है, डिफ्लेशन कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मुद्रा आपूर्ति कम होने की बात कहने का मतलब मनी सप्लाई यदि कम होगा, और मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड कम होगा, और डिमांड जैसे जैसे कम होगा तो वस्तुओं का प्राइस भी क्या होते जाएगा दोस्तों, कम होते जाएगा। क्लियर है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन की स्थिति। अब इसका क्या क्या प्रभाव जो है वो मार्केट पर पड़ेगा, तो सबसे पहले प्रभाव क्या होगा, कीमतों में क्या आएगा, कीमतों में गिरावट होगा, और यदि कीमतों में गिरावट होगा तो ध्यान में रखिएगा मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी, क्योंकि कम पैसे पे हम लोग ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस मार्कर की कीमत 25 रुपए पर मार्कर है, तो 100 रुपया में मैं केवल
चार मार्कर खरीद पाता, लेकिन अब कीमतें क्या हो गई है, गिर गई है और 20 रुपया पर मार्कर क्या होने लगा है, ये बिकने लगा है। तो अब मैं 100 रुपये में कितना मार्कर खरीद पाऊंगा, 5 मार्कर खरीद पाऊंगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में बढ़ जाएगी। तीसरा, इस कंडीशन में ऋणी वर्ग को नुकसान होगा, ठीक है, और ध्यान में रखिएगा लेंडर या लेनदार वर्ग को क्या होगा, फायदा होगा। तो जस्ट ये अपोजिट हो गया किसका, इन्फ्लेशन का। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है, यह दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रा मान में आई अचानक गिरावट है, गलत, ठीक है, यह दूसरी मुद्राओं की तुलना में, यहां पर मुद्रा का कंपैरिजन नहीं कर रहे हम लोग, यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय तथा वास्तविक क्षेत्रों में आई सतत मंदी है, चलो इसको कंसीडर करते हुए चलते हैं, या माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। तो हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, जब वस्तुओं के दाम जो है सामान्यता क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्फीति की स्थिति, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 7th का ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत में मुद्रा स्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है, ठीक है। यहां पर किसकी बात की जा रही है, अगेन इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, इन्फ्लेशन इंपैक्ट की बात की जा रही है। तो भारत में मुद्रा स्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व, गलत, यहां पर RBI भी जो है एक्टिवली परफॉर्म करता है। दूसरा, मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं, गलत, क्या देख रहे हैं, RBI ही एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो मनी सप्लाई को मेंटेन करने का काम करती है। तीसरा, घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो बिल्कुल हम लोग क्या देख रहे हैं, यदि मनी सप्लाई को कम कर दिया जाए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से निपटा जा सकता है, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अधिक भार दिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या बोला कि महंगाई को मेजर करने के लिए, ठीक है, पहले थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करते थे। अब ये थोक मूल्य सूचकांक क्या है, ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि महंगाई का सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है वो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो महंगाई की गणना हम लोग कर रहे हैं, ये गरीबों के लिए कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कर रहे हैं। तो ये थोक मूल्य सूचकांक में जब हम लोग महंगाई की गणना करते थे, तो ध्यान में रखना इसमें एरोप्लेन का किराया बढ़ गया है, उससे गरीब जनता को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक बात है कि नहीं, है ना। लेकिन यदि जनरल का टिकट का किराया बढ़ जाए, तो यहां पर लोगों को, गरीब लोगों को क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब, जब हम लोग महंगाई की गणना करते हैं ना, ठीक है, तो सारी वस्तुओं को गणना करने में शामिल नहीं करते, केवल कुछ चुनी हुई वस्तुओं का, ठीक है ना, चुनी हुई वस्तुएं, कुछ चुनी हुई वस्तुएं जिनका उपयोग आम जनता या गरीब वर्गीय जनता करती है, ठीक है ना, उन्हीं चुनी हुई वस्तुओं का यूज करके हम लोग महंगाई की गणना करते हैं, है ना। तो कुछ चुनी हुई वस्तुओं का, ठीक है ना, उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ चुनी हुई वस्तुएं जिनका उपयोग आम जनता करती है, वर्तमान में 697 वस्तुएं हैं ऐसी, ठीक है। तो कुछ चुनी हुई वस्तुएं जिनका उपयोग आम जनता करती है के मूल्यों में, के मूल्यों में औसत परिवर्तन को थोक मूल्य या थोक स्तर पर, तो कुछ चुनी हुई वस्तुएं जिनका उपयोग आम जनता, ठीक है, या गरीब वर्गीय परिवार करती है, के मूल्यों में औसत परिवर्तन को थोक स्तर पर मापा जाना क्या कहलाता है, थोक मूल्य सूचकांक। और ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस आधार पर केवल वस्तुओं की गणना की जाती है, सेवाओं की गणना नहीं की जाती। और गणना करने हेतु हम लोग एक बास्केट का प्रयोग करते हैं,
बास्केट का प्रयोग करते हैं और इस बास्केट में उन्हीं वस्तुओं को डाला जाता है जिनका उपयोग आम या गरीब जनता करती है, और इस बास्केट को, ठीक है, इस बास्केट में जितनी वस्तुएं रखी गई है उनको तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें पहले प्राथमिक वस्तुएं जिनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी आर्टिकल, ठीक है ना। दूसरे में ध्यान में रखिएगा ईंधन, ठीक है ना, दूसरे में क्या हो गया दोस्तों, ईंधन, और तीसरे में ध्यान में रखना विनिर्मित वस्तुएं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कि जो गरीब जनता है, प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत में हम लोग खाद्यान्न वस्तुओं को सामान्यता लेते हैं, वही ईंधन में, ठीक है, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट को लिया जाता है। विनिर्मित वस्तुओं में जूते चप्पल वगैरह, ठीक है, जिसका उपयोग जो है साल में हम लोग एक बार या दो बार करते हैं, उपयोग नहीं, खरीदी जो हम लोग साल में एक या दो बार करते हैं, उन वस्तुओं का रखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा WPI में काफी सारे परेशानियां थी जिसको छोड़कर, इस कमी को दूर करके हम लोग CPI में आए। एक तो सबसे पहली बात, ठीक है, ध्यान में रखिएगा कुछ चुनी हुई वस्तुओं के मूल्यों में औसत परिवर्तन को मापा जाता है, और वो भी कैसे मापा जाता है, भार अनुसार, भार अनुसार जो है किसी वस्तुओं को मापा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कि थोक मूल्य सूचकांक में विनिर्मित वस्तुओं का जो भार है 64.23% रखा गया है। कितना रखा गया है, तो ध्यान में रखिएगा 64.23%। लेकिन आम जनता या गरीब जनता मैक्सिमम किस पर डिपेंडेंट होती है, खाने और पीने तक ही सीमित रहती है, ठीक है। तो भैया साल में जूते उन लोग एक बार लेंगे, लेकिन यदि चावल की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है, तो हर महीना उनके वॉलेट पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, जबकि जूता वो साल में एक बार खरीद रहा है तो उसके वॉलेट पर केवल असर जो है वो एक साल ही, मतलब एक बार में, साल में एक ही बार पड़ता, क्लियर है कि नहीं। तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, कि भार अनुसार इसको मापा जाता था, और इसको मापने के लिए जो आधार वर्ष था वो 2011-12 था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 2011-12 था। ध्यान में रखिएगा इसका जो कैलकुलेशन है वो देश की कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर में इसका जो इवेल्युएटर था वो था इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार जो है इसका मूल्यांकन करता था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर में आता था और जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत में रखा जाता था। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, थोक मूल्य सूचकांक। तो ध्यान में रखिएगा थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता था, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों विनिर्मित उत्पादों को जो भार है वो ज्यादा दिया जाता था। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर क्या कर दिया गया है, 2011-12 अभी हम लोग देखे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि WPI में काफी सारी परेशानियां थी और इसी के कारण हम लोग CPI की ओर आगे बढ़े, ठीक है। तो CPI भी जो है ये भी कुछ चुनी हुई वस्तुओं एवं सेवाओं, आप ध्यान में रखिएगा कुछ चुनी हुई वस्तुओं और सेवाओं, जबकि WPI केवल वस्तुओं की गणना करता था, और आम जीवन में वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे हैं, मोबाइल का यूज बढ़ गया है, इंटरनेट का यूज बढ़ गया है, तरह तरह के सेवाओं का उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आम या गरीब जनता भी चालू कर चुकी है। तो केवल महंगाई की गणना करने के लिए वस्तुओं के प्राइस को ही मापना ये सही नहीं था, और इसी के कारण ध्यान में रखिएगा CPI ने इस कमी को दूर किया और CPI में वस्तुओं के साथ में सेवाओं को भी मापा जाता। ध्यान में रखिएगा WPI के अंतर्गत में 697 वस्तुओं को रखा गया था, जबकि CPI के अंतर्गत में 448 ग्रामीण एरिया पर और 460 शहरी एरिया पर ऐसे वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया था। ध्यान में रखिएगा ग्रामीण एरिया में हम लोग हाउसिंग को नहीं लेते हैं, क्योंकि ध्यान में रखिएगा ऐसा माना जाता है कि हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो ग्रामीण एरिया में काफी सस्ती है और लगभग सभी के पास में घर है, ऐसा मान के हम लोग चलते, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान में रखिएगा
यहां पर केवल वस्तुओं की गणना होती है और यहां पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों की गणना होती है। यहां पर 697 वस्तुओं का गणना करते हैं, यहां पर 448 और 460 वस्तुओं का गणना करते हैं। ध्यान में रखिएगा ये थोक मूल्य पर वस्तुओं की गणना करता है जबकि ये जो है उपभोक्ता मूल्य पर गणना करता है। एक कमी और क्या थी, लोग जो है वो थोक मूल्य पर नहीं खरीदते, केवल सारी व्याप ही थोक में वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, लेकिन आम जनता तो थोक में वस्तुएं ऑलरेडी कम पड़ती है। लेकिन जब हम लोग किसी छोटे रिटेलर शॉप में से वस्तुओं को खरीदते हैं तो वहां पर हम लोग को वस्तुओं की कीमतें ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना। तो जो WPI थे ना थोक मूल्य पर गणना करता था जबकि CPI जो है वो उपभोक्ता मूल्य पर गणना करता है, ठीक बात है कि नहीं। ध्यान में रखिएगा ठीक WPI जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड था। एक तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, प्राइमरी आर्टिकल्स या प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा फ्यूल या ईंधन, और तीसरा हम लोग क्या देखे थे, मैन्युफैक्चर्ड आइटम। जबकि CPI जो है वो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिसमें ध्यान में रखिएगा पहला रखा गया है फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है, या खाने पीने की वस्तुएं। दूसरा इसकी सब कैटेगरी और बना दी गई है जिसमें पान, टोबैको और सुपारी। पहले ये किसके अंदर में था, WPI में, प्राइमरी आर्टिकल या प्राथमिक वस्तुओं के अंदर में था। लेकिन क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक परिवार में सभी लोग जो हैं उसका सेवन करते हैं क्या, नहीं करते, ठीक है। तो कहने का मतलब उसका भार जो है, ठीक है, महंगाई की गणना करने के लिए कम होना चाहिए। रीजन क्या, ये ऑलरेडी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो यदि इसका कीमत बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि वस्तुओं की कीमतें या मुद्रा स्फीति क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है। फिर ध्यान में रखिएगा तीसरा कैटेगरी यहां पर बनाया गया है फ्यूल एंड लुब्रिकेंट का। फिर यहां पर चौथा जो कैटेगरी है वस्त्र एवं जूते चप्पल का, अपैरल का। पांचवा जो है ध्यान में रखिएगा दोस्तों वो सर्विसेस का बनाया गया है। और छठवा जो है ध्यान में रखना मैन्युफैक्चर्ड आइटम का रखा गया है, ठीक है, सॉरी छठवा जो है छठवें में यहां पर हाउसिंग को रखा गया है, ठीक है। तो 6 कैटेगरी में अलग अलग भार यहां पर रखा गया है। तो देख रहे हैं कि WPI में क्या परेशानी थी कि हम लोग CPI की ओर आगे बढ़ने लगे। ध्यान में रखिएगा दोस्तों CPI वर्तमान में चार तरह का डेटा जारी करता है, ठीक, जिसमें पहला जो है ध्यान में रखिएगा CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसको लेबर डिपार्टमेंट जारी करता है। जिसको कौन जारी करता है ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लेबर डिपार्टमेंट जारी करता है। और इसी के आधार पर एक कर्मचारी का महंगाई भत्ता वगैरह का, ठीक है, डिसाइड किया जाता है। दूसरा CPI अर्बन, तीसरा रिपोर्ट CPI रूरल, और चौथा रिपोर्ट CPI ऑल इंडिया। ये चार प्रकार के रिपोर्ट जो है वो जारी करता है, वो भी मंथली बेसिस। ध्यान में रखना जैसे जनवरी 2022 की जो तुलना है हम लोग जनवरी 2023 से करेंगे, ठीक है ना। फरवरी 2022 में महंगाई की तुलना जो है वो फरवरी 2023 से करेंगे, क्योंकि क्या देख रहे हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ वगैरह का जो उत्पादन है किसी महीने में ज्यादा होता है और किसी महीने में कम होता है। और जब किसी महीने में उसका उत्पादन ज्यादा होता है तो उसकी कीमत कम होती है, और यदि उसका उत्पादन किसी महीने किसी विशेष मौसम में कम होता है तो उसकी कीमतें ज्यादा होती है। और इसी के कारण हम लोग इस डिस्पैरिटी से बचने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में सेम मंथ का इस साल इस मंथ से करते हैं। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा वर्तमान में CPI के लिए जो आधार वर्ष है वो 2012 है, ठीक है, और ये MoSPI के अंदर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत में ये काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब वापस से हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है, करेक्ट है ये। दूसरा WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता जैसे कि CPI करता है, दोनों सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रा स्फीति के
मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा WPI को नहीं वर्तमान में CPI को टारगेट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट होगा। चलिए और इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति की दर बढ़ती है यदि, ठीक है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति की दर बढ़ती है यदि। अब मुद्रा स्फीति कब बढ़ेगी, जब मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दर कम कर दी जाएंगी तो RBI सस्ते में लोन ले पाएगा। ठीक है, रेपो रेट बढ़ा दी जाएगी तो लोन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बैंक दर कम कर दी जाती है, ठीक है, तो जो बैंक है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कमर्शियल बैंक है, वो RBI से सस्ते में लोन लेने लग जाएंगे, और ध्यान में रखिएगा जिससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन क्या होगा इसका, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है, इसको अभी हम लोग देखें। नेक्स्ट आते हैं, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, ठीक है ना, उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग पहले से ही देखे कि किसकी बात कर रहा है, PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, तो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की, ठीक है ना, कीमत में औसत परिवर्तन, तो ऑप्शन ए ही क्या होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना करने का आधार वर्ष जो है, जैसे कि मैंने बताया 2012। नेक्स्ट आते हैं कोर इन्फ्लेशन। अब ये कोर इन्फ्लेशन एक नया टर्मिनोलॉजी और है। देखो, जब मुद्रा स्फीति की गणना करते हैं ना, तो गणना करते समय कुछ वस्तुओं, कुछ ऐसी वस्तुओं को जब छोड़ दिया जाता है जिन वस्तुओं के जो प्राइस है वो फ्रिक्वेंट चेंज होते हैं, जैसे खाने पीने की वस्तुओं में। ये किस पर निर्भर करता है, कहीं ना कहीं जलवायु और मौसम पर निर्भर करता है। मान लो कि ओलावृष्टि हो गई और फसल नष्ट हो गया, तो बट ऑब्वियस है उत्पादन कम हुआ तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। वैसे ही जैसे तेल वगैरह की जो कीमत है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है। कहने का मतलब भारत सरकार कंट्रोल कर ले या RBI कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, फिर भी इसमें हम लोग कंट्रोल नहीं करवा कर सकते, क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब जब महंगाई की गणना करते समय ऐसे वस्तुओं के दाम को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसके प्राइस जो हैं वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और तेजी से परिवर्तन होते हैं, और कुछ भी मतलब प्रिडिक्ट कर पाना जो है लगभग लगभग नामुमकिन होता है। ठीक है, ऐसे वस्तुओं की गणना कर जब हम लोग नहीं करते और उस आधार पर जब इन्फ्लेशन निकाला जाता है तो उसको बोला जाता है कोर इन्फ्लेशन। तो ध्यान में रखिएगा ईंधन और खाद्य वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो दोस्तों, जैसे कि आज के क्लास में हम लोग, ठीक है, ये पूरे मार्केट के इम्बैलेंस को, ठीक है, देखे और इसको कैसे RBI और भारत सरकार जो है वो कंट्रोल करता है और क्या इसके प्रभाव जो है पड़ते हैं, खरीदी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम लोग देखे। तो यदि देश को आगे बढ़ाना है तो इन समस्याओं से निजात पाना जरूरी होगा, क्योंकि जितना से ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा से ज्यादा हमारे GDP क्या होती जाएगी दोस्तों, बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो आगे चल के ना, अब हम लोग WPI और CPI के सहारे महंगाई को तो मेजर कर लिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जो है RBI इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो मॉनेटरी पॉलिसी पर बेस रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।